लिए, या फिर जो विकलांग नहीं है, जो नीचे स्तर के हैं, उनके लिए हर चीज के लिए नॉर्म्स बने हुए हैं। बस उनको हम जानना जरूरी है, और वो जानेंगे तब जब आप अपना शिक्षा बढ़ाएंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे। और मैं एक बहुत अच्छी बात एक और बताना चाहूंगी, जो मैंने खुद देखा था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि इंदौर में भी ऐसे विकलांग के लिए मैच, क्रिकेट मैच किया गया है 8 से 11 दिसंबर। और एक न्यूज में आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगी, जो कि ग्वालियर की न्यूज है जो मैंने देखी अभी, कि जल्दी ग्वालियर में व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांगों को क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। इस दौरान विकलांग व्हीलचेयर पर बैठकर ही बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग करेंगे। व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा ग्वालियर में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की स्मृति में व्हीलचेयर क्रिकेट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कराया जा रहा है। तो मतलब आप ये देखिए कि कितना ज्यादा इसमें अवेयरनेस है कि चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए 8 राज्यों से टीम आएंगी। व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन ने आयोजित सचिव ओपी दीक्षित ने बताया कि यह टूर्नामेंट 26 से 31 मई 2023 तक खेला जाएगा। तो इसमें प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी टीम खेलने के लिए आएंगी। तो ये कितनी बड़ी बात है अपने हिसाब से। और इंदौर का भी जो मैंने पढ़ा था, इसमें खास तौर चीजें अपने आप में इतनी अच्छी हैं, जो कि लोगों को मतलब मोटिवेट कर सकती हैं। इस क्षेत्र में कहां कोई कम है, कोई कम नहीं है, सब बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। और अगर मैंने, मुझे उनका नाम याद आ रहा, दीप सर होगा, एक ऐसे एक ऐसे भी हैं इंटरनेशनल मोटिवेटर हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, एंड इज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। तो इससे बड़ी बात तो मुझे लगता ही नहीं है कुछ भी है। इट्स ऑल इन माइंड। मुझे बोलना, मैं ये भी समझती हूँ कि हाँ, हमारे लिए शायद बोलना आसान है, जो इससे गुजर रहे हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि अब जब है सो है, उसको अपना लीजिए, एक्सेप्ट इट, और उससे हम कैसे लड़ सकते हैं उसका समाधान हमें ढूंढना चाहिए, और वो ये सब चीजों से ठीक होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हम लोग के साथ।